यूक्रेन जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज देश में सैन्य लामबंदी का आदेश दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पश्चिमी देश रूस को तबाह व कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। इन देशों ने हद पार कर दी है। इसके साथ ही पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी भी दी है। इसी बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने रूस में आंशिक रूप से जवानों की तैनाती को रूसी जनता के लिए बड़ी त्रासदी करार दिया। इस पर पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश रूस को तोड़ने व नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम वतन का भविष्य सुरक्षित करने के लिए यह कदम उठा रहे हैं। विशेष सैन्य अभियान यूक्रेन चंद का हमारा लक्ष्य अपरिवर्तित है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक LPR को मुक्त करा लिया गया है और डोनेट्स पीपल्स रिपब्लिक PPR को भी आंशिक रूप से मुक्त करा लिया गया है। इसके साथ ही पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी भी दी कि यदि क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पैदा हुआ तो रूस सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करेगा, इसे कोई झांसा नहीं समझा जाए। अपने देश की सैन्य मोर्चाबंदी के आदेश पर पुतिन ने दस्तखत कर दिए हैं और यह आज से ही लागू हो जाएगा। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात किया गया है। इस बीच यूक्रेन के 2 शहरों डोनेट्स और लुहांस को रूस का हिस्सा बना लिया जाएगा। इसके लिए शुक्रवार से वोटिंग होगी। पुतिन ने फरवरी में जंग छेड़ने से पहले यूक्रेन के इन 2 शहरों को स्वतंत्र क्षेत्रों के तौर पर पहचान देने का ऐलान किया था। पूर्वी यूक्रेन में रूस की सीमा से लगे डोनेट्स की गिनती एक समय यूक्रेन के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर होती थी। यह डोनबास राज्य का मुख्य शहर था, जहाँ कई अहम खनिजों का भंडार है। ये शहर यूक्रेन के बड़े स्टील उत्पादक केंद्रों में से एक है। यहाँ की जनसंख्या करीब 20 लाख है। वहीं लुहांस, जिसे पहले बोरोशिलोवग्राद के नाम से जाना जाता था, यूक्रेन के लिए कोयले का अहम भंडार है। यह शहर भी डोनबास क्षेत्र का हिस्सा है और रूस के साथ सीमा साझा करता है। इस शहर का उत्तरी हिस्सा ब्लैक सी से लगता है। डोनेट्स और लुहांस यूक्रेन के जिस डोनबास प्रांत का हिस्सा है, वह रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की मुख्य जड़ रहा है। दरअसल सोवियत संघ के विघटन के बाद डोनबास क्षेत्र यूक्रेन का हिस्सा बना। उधर रूस ने कहा कि डोनबास की अधिकतर जनता रूसी भाषा बोलती है और इसलिए उसे यूक्रेन के राष्ट्रवाद से बचाया जाना जरूरी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 5। धन्यवाद।